गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस आज मैं मोर देन ब्लू का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस इस ड्रामे में दो और न्यू एंट्री हो रही है जिसका नाम है यांग यू हिसेन जो एक डेंटिस्ट है और सिंडी का बॉयफ्रेंड है। आगे जाकर वो क्रीम का हस्बैंड भी बनेगा। सो दूसरा मेन करेक्टर है उसका नाम है बोनी जो एक फेमस सिंगर है। सो गाइस इस एपिसोड का नाम है के एंड क्रीम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लीची को दिखाते हैं जो कैफे में काम कर रही होती है, साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी। लीची कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। उसका पीएफ का बहुत ही ठंडा सा रिएक्शन आता है। लीची कहती है कि अब मैं क्या करूँ। पीएफ कहता है अभी हम स्टूडेंट हैं, हम किसी बच्चे को कैसे पाल सकते हैं। मुझे अभी अब्रॉड जाना है स्टडी करने के लिए, मैं ये बेबी नहीं चाहता हूँ। ये सुन के लीची को सदमा लग जाता है। लीची अपने बॉयफ्रेंड से उसी टाइम ब्रेकअप कर लेती है और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में केले अकेले बैठा होता है, तभी वहाँ पर लीची उसके पास आती है, उसे सॉरी बोलती है लेट आने के लिए। फिर वो उसे हक कर लेती है। बाहर से यह सब पोहान देख रहा होता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें डॉक्टर केले की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं केले को हार्ट डिजीज है। जब उसका जन्म हुआ था वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं था। मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि केले को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है। यह सुन के लीची शॉक हो जाती है और कहती है डॉक्टर क्या सर्जरी लास्ट ऑप्शन है? केले की ऑलरेडी 4 सर्जरी हो चुकी है, मुझे अब डर लगने लगा है। उसकी सर्जरी में सक्सेस के सिर्फ 40% चांस है। डॉक्टर कहते हैं आई अंडरस्टैंड बट हम और वेट नहीं कर सकते, उसकी कंडीशन पहले ठीक नहीं है, वो तो सही से सांस भी नहीं ले पाता। अगर ये सर्जरी नहीं हुई तो उसका हार्ट फेल हो सकता है। लीची को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नेक्स्ट सीन में लीची एंड पोहान को एक साथ दिखाते हैं, वो ये सब पोहान को बता रही होती है। लीची पोहान से कहती है कि सर्जरी के सिर्फ 40% चांस है कि वो सक्सेस हो जाएगा। ये जान के पोहान दुखी होता है। तभी लीची कहती है इट्स ओके। फिर प्रेजेंट में केले की नजर पोहान पे जाती है और वो कहता है कि तुम्हारा बॉस जब देखो यहाँ आ जाता है, वो बहुत ज्यादा रूड है। लीची कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर लीची केले का हाथ पकड़कर उसे हाय बोलती है। केले तो उसे देखकर मुंह बनाने लगता है। तभी पोहान उसी टाइम अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है कि अपने घर से बाहर आता है स्कूल जाने के लिए। जब वो जा रहा होता है उसके गेट पे घर बेचने का बोर्ड लगा होता है कि अपना घर बेच रहा होता है। अब हमें पहले एपिसोड की एक झलक दिखाई जाती है जब वो ग्राउंड में दौड़ रहा होता है और थक कर टेबल पे ही लेट जाता है। नेक्स्ट सीन में क्लासरूम में जाता है, वो क्रीम को पानी देता है, फिर वो अपने डेस्क पे जाकर बैठ जाता है। अभी उसका दोस्त कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो स्कूल से, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगती, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे बोल सकते हो। कि उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी के कहता है कि तुम्हें इस संडे मेरे घर आना है। उसका दोस्त पूछता है किस लिए, के कहता है पार्टी के लिए, तुम अपने कुछ फ्रेंड को भी ला सकते हो। फिर वह पूरी क्लास को पार्टी के लिए इनवाइट करता है और कहता है इस संडे को सभी को मेरे घर पार्टी के लिए आना है। फिर इशारों में क्रीम को कहता है शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो चला जाता है। तभी के का दोस्त क्रीम से पूछता है क्या तुम पार्टी में आओगी, वो कहती है पता नहीं। फिर के बोर्ड में जाकर लिख देता है लेस पार्टी। फिर हमें के का घर दिखाया जाता है, वहाँ पर फुल पार्टी वाला माहौल होता है, सभी थैंक यू बोलते हैं पार्टी के लिए, फिर सभी चेयर्स करते हैं। तभी के का फ्रेंड के को एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराता है, दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं। तभी वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारे पास काफी सारी सीडीज है, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, क्या मैं उस सीडी को देख सकती हूँ? कहता है हाँ यहाँ पर सारी सीडी लगे हैं, आपको किस तरह के सॉन्ग पसंद है? तभी वो लड़की कहती है मुझे जैपनीज पॉप म्यूजिक पसंद है। तभी पीछे से क्रीम आती है और कहती है मैं ढूंढ देती हूँ सीडी। तब के और उसका फ्रेंड पीछे मुड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्रीम को देखकर। तभी क्रीम के का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। तभी के का फ्रेंड उस लड़की से कहता है उसे इग्नोर करो वो ऐसे ही है। फिर नेक्स्ट सीन में क्रीम सीडी को देखती है, के पास में ही खड़ा होता है। फिर क्रीम एक सीडी को उठाती है और कहती है क्या तुमने सारी सीडी को सुनी है? के कहता है नहीं। फिर क्रीम के से पूछती है कि तुम अपना घर क्यों बेच रहे हो? के कहता है यह घर बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं यहाँ पर बहुत अकेला हूँ। फिर क्रीम मॉम के बारे में पूछती है, के कहता है वो यहाँ पर नहीं रहती। ये जानकर क्रीम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी क्रीम वही सीडी को उठाती है जो टूट गई होती है। क्रीम कहती है ये कैसे टूट गई? के कहता है ये सॉन्ग मुझे और मेरे डैड को बहुत पसंद था पर मैंने ये सॉन्ग कभी नहीं सुना। तभी क्रीम कहती है मैं इस एल्बम के सारे सॉन्ग को जानती हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, मैं गाना भी गा सकती हूँ। फिर क्रीम इस सॉन्ग के कुछ लिरिक्स गुनगुनाती है, बहुत अच्छा सॉन्ग गाती है, क्रीम प्रेस होता है ताकि क्रीम को देखता रहता है। अभी हमें वही फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर डैड के को कहते हैं जब कोई चीज टूट जाती है या वो गायब हो जाती है तभी वो किसी दूसरे फॉर्म में जिंदा हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट में क्रीम के से कहती है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। ये कहता हाँ। क्रीम कहती है मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे बर्थडे
प्रेजेंट चाहिए। के कहता है क्या प्रेजेंट चाहिए। क्रीम कहती है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे के आराम से अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसे डोरबेल की आवाज आती है। फिर वो उठता है, जब वो डोर ओपन करता है डोर पर क्रीम होती है। वह कहती है गुड मॉर्निंग, कहीं यहाँ बर्थडे प्रेजेंट हूँ। तभी के कहता है क्या। तभी क्रीम कहती है अब से तुम्हारा घर मेरा घर है। वो अपना सामान लेकर जबरदस्ती अंदर चली जाती है। के शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी क्रीम केक पर कैंडल जलाती है, के केक को देख रहा होता है। तभी क्रीम कहती है आज मेरा बर्थडे है, थोड़ा तो खुश दिखो। फिर के क्रीम के लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है, वो भी सैड वॉइस में। क्रीम कहती है हे बस रहने दो। फिर क्रीम विश मांगती है, पहली विश होती है कि दुनिया में शांति बनी रही है। सुन के केक को बहुत हंसी आने लगती है। फिर क्रीम उसे घूरने लगती है। फिर क्रीम दूसरी विश मांगती है कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए ताकि मैं यूनिवर्सिटी जा सकूं। फिर क्रीम कहती है कि मैं चाहती हूं कि तीसरी विश तुम मेरे लिए मांगो। फिर के विश मांगता है, वह कैंडल बुझाने वाला होता है। तभी क्रीम पहले ही बुझा देती है। फिर के प्लेट लेने चला जाता है, इधर क्रीम केक खाने में लगी होती है। फिर के जल्दी से क्रीम के पास आता है। फिर क्रीम कहती है तुमने क्या विश मांगा। के कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो विश पूरी नहीं होगी। फिर के कहता है क्या तुम सच में यहाँ शिफ्ट कर रही हो। क्रीम कहती है हाँ। के कहता है कि इससे तुम्हारी आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रीम कहती है अब मैं 18 साल की हो गई हूँ तो आई एम एडल्ट, तो मैं डिसीजन ले सकती हूँ। एंड वैसे भी डोंट वरी, मैं यहाँ रहने के लिए रेंट भी पे कर दूंगी, तुम बस अपनी स्टडी पे फोकस करो। फिर के स्ट्रॉबेरी खाने वाला होता है। तभी क्रीम उसके हाथ से स्ट्रॉबेरी लेकर खुद खा लेती है। फिर के क्रीम के फेस पे केक लगा देता है। फिर क्रीम भी केक को केक लगाने जाती है, तभी दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। फिर क्रीम के फेस पे केक लगा देती है और कहती है इसे साफ मत करना। के कहता है क्यों। फिर क्रीम कहती है मेरा इंग्लिश नाम क्रीम है। के कहता है क्या तुम्हें क्रीम पसंद है, उसमें तो बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। क्रीम कहती है कि मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। के कहता है उसमें तो बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। फिर क्रीम के को मारती है और कहती है अब से तुम्हारा नाम के है, क्योंकि उसका पूरा नाम होता है चांगचे के, अब यही तुम्हारा नाम है। के कहता है के तो निकनेम है, ये कोई नाम नहीं। क्रीम कहती है अब से मैं तुम्हें के ही बुलाऊंगी। के कहता है क्यों। क्रीम कहती है क्योंकि तुम के हो और मैं क्रीम हूँ, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। के कहता है फैमिली। क्रीम कहती है हाँ फैमिली, अब से हम दोनों एक फैमिली है। के बहुत ज्यादा खुश होता है। क्रीम में के ब्रश कर रहा होता है, तभी वो वॉइस ओवर में कहता है कि मैं अब क्रीम के साथ रहना शुरू कर दी, हम दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं, एक साथ होमवर्क करते हैं, एक साथ हंसना, एक साथ रोना, एक साथ मूवी देखना, एक साथ मस्ती करना, इसी तरह दोनों एक साथ फैमिली की तरह रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों एक साथ स्टडी करते हैं क्योंकि 7 दिन बाद उनके एग्जाम होते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों सोफे में बैठे होते हैं, एक दूसरे के हाथ में फैमिली बैंड को देखते हैं और दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अपने बैंड को देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिखाया जाता है। फिर कुछ दिन बाद दोनों रिजल्ट आने का वेट करते हैं। के ऑनलाइन रिजल्ट को चेक करता है, तभी दोनों के सेम मार्क्स आते हैं, दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में के एंड क्रीम दोनों सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ डांस करते हैं, काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर के वॉइस ओवर में कहता है ये मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जब से क्रीम मेरी लाइफ में आई है तब से मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अब देखते देखते काफी सारा टाइम बीत जाता है, दोनों अभी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में के एंड क्रीम जा रहे होते हैं, तभी के क्रीम की ड्रिंक पीने लगता है। तभी क्रीम कहती है कि तुम मेरा ड्रिंक क्यों पी रहे हो। फिर के उसे चिढ़ाने लगता है। अभी दोनों के क्लास का टाइम हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है। तभी के का फ्रेंड के से कहता है तुम्हारा क्रीम के साथ क्या रिलेशन है, तुम हमेशा एक दूसरे के साथ घूमते रहते हो, क्या तुम क्रीम को डेट कर रहे हो। के शॉक होता है और कहता है नहीं। फिर के का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें पता है हमारे डिपार्टमेंट के 3 लोगों ने क्रीम को डेट के लिए पूछा है पर उसने किसी को भी हाँ नहीं बोला है, आई थिंक वो तुम्हारा ही वेट कर रही है कि तुम कब उससे कन्फेस करोगे। के कहता है मैं और क्रीम एक फैमिली है, ये इम्पॉसिबल है। के का फ्रेंड कहता है क्रीम शायद तुम्हें सच में पसंद करती हो। के कहता है नो वे। तभी के का फ्रेंड कहता है क्या तुम्हें डर लगता है कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। के कहता है नहीं, मुझे बस इस बात से डर लगता है कहीं वो मुझे छोड़ के चले ही ना जाए। फिर के उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में के आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक बॉय क्रीम को गिफ्ट दे रहा होता है और क्रीम उस गिफ्ट को ले लेती है। इस सीन की रियलिटी हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी, यह देखकर के शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में के गिटार प्ले कर रहा होता है, क्रीम बैठ के सुन रही होती है। तभी क्रीम कहती है कि आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा होता है समुद्र हमें आफ्टर लाइफ की तरफ ले जाता है, जब हम एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं तो एक फेरी मैन आता है, वो हमें अपने साथ दूसरी दुनिया ले जाता है। जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बीच पर जाऊंगी तो वहाँ मैं अपनी फैमिली को देख सकती हूँ, उन्हें फील कर सकती हूँ। के कहता है अगर तुम बीच जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर क्रीम के से कहती है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। के कहता है पूछो। फिर क्रीम कहती है अगर किसी दिन मैं किसी और को लाइक करने लगूं तो क्या तुम जेलस होगे। के कहता है क्या तुम सच में किसी को पसंद करती हो। क्रीम कहती है मैं तो बस क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या तुम जेलस होगे। के कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर क्रीम गुस्से में अपना सारा सामान के की तरफ फेंकने लगती है। फिर दोनों मस्ती करने लगती है। नेक्स्ट सीन में के रूम में होता है, वो अपनी फ्रेंड की बातों के बारे में
में सोचता है कि हमारे डिपार्टमेंट के 3 बॉयज ने क्रीम को प्रपोज किया है, पर उसने किसी को हाँ नहीं बोला, ये बहुत खुश होता है। फिर केक क्रीम के सवाल के बारे में सोचता है, उसके अंदर ख्याली पुलाव पकना शुरू हो जाता है। केक कहता है हाँ मैं क्रीम को बहुत पसंद करता हूँ। तभी क्रीम जोर से धक्का मार के उसका डोर ओपन करती है। केक डर जाता है और कहता है क्या चाहिए तुम्हें। क्रीम कहती है कि मैं बाहर डिनर करने जा रही हूँ, वो भी अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के साथ। फिर क्रीम उसे बाय बोल कर वहाँ से चली जाती है। केक बेचारा उसे देखता रह जाता है। फिर केक डिसाइड करता है कि वह क्रीम को प्रपोज करेगा। फिर केक कंप्यूटर में सर्च करता है कि सी साइड रोमांटिक कन्फेशन कैसे करें। फिर काफी सारे आर्टिकल आते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है, यहाँ पर केक एंड क्रीम बाहर आते हैं। फिर केक कहता है कि मैंने एक मोटरसाइकिल रेंट पे ली है, आज हम दोनों बीच पे घूमने चलेंगे। तभी क्रीम कहती है कि मुझे भूख लगी है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं कि अपने बैग में एक बॉक्स को देखता है, वो बहुत ज्यादा स्माइल करता है, उसमें क्रीम के लिए गिफ्ट होता है। क्रीम कहती है क्या हुआ तुम बहुत हंस रहे हो। केक कहता है कुछ भी नहीं, आज केक का प्लान बीच पर क्रीम को प्रपोज करना होता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। क्रीम कहती है क्या बात है तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। केक कहता है हाँ क्योंकि आज मैं बहुत दिन बाद घूमने जा रहा हूँ, आज मैं बहुत ही स्पेशल बीच पे घूमने जा रहा हूँ। क्रीम भी ये जान के खुश होती है। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों मोटरसाइकिल पे घूमने जाते हैं। क्रीम बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, केक भी। फिर क्रीम केक को टाइटली हग कर लेती है जिससे केक को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी केक वॉइस ओवर में कहता है काश ये वक्त यहीं थम जाए, मैं इस मोमेंट को हमेशा जीना चाहता हूँ। तभी सडनली केक को चक्कर आने लगते हैं, केक को सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। तभी मोटरसाइकिल का जोरदार एक्सीडेंट होता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में केक हॉस्पिटल में होता है, उसके हाथ में कुछ बैंडेज लगी होती है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और केक को उसका हेल्थ कार्ड देती है और कहती है कि हमें तुम्हारे ब्लड में कुछ अबनॉर्मलिटी मिली है, हमें फौरन हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराना चाहिए। केक कहता है ओके, ताकि ये जान के काफी ज्यादा शौक होता है। तभी वहाँ पर क्रीम आती है, फिर वह दौड़ के केक को हग कर लेती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। केक कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। क्रीम कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मैंने तुम्हें खो दिया, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह। केक कहता है तुम ज्यादा सोच रही हो, सब कुछ ठीक है, मैं बस डॉक्टर से बात करने गया था और कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा है मुझे बस फीवर है, आजकल मैं जल्दी थक जाता हूँ, इसलिए चलो हम लोग घर चलते हैं। फिर वो अपना सामान लेता है और क्रीम का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ ले जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब पुहान डायरी में पढ़ रहा होता है। फिर पुहान दूसरा पेज टर्न करता है, तभी उसे क्रीम की वेडिंग पिक्चर मिलती है। पुहान यह देखकर काफी शॉक होता है। फिर वह किसी को कॉल करता है और कहता है क्या क्रीम की शादी हो गई थी। दूसरी तरफ से जवाब आता है हाँ उसकी शादी हो गई थी। पुहान कहता है कि आप ग्रूम को जानते हो। वो कहता है हाँ उसका नाम है यांग यू हैंसी, वो एक डेंटिस्ट है। तभी पुहान कहता है कि आपके पास उसका नंबर है। वह कहता है हाँ मैं उसकी क्लिनिक को जानता हूँ, मैं तुम्हें अभी सेंड करता हूँ उसका नंबर। फिर वह उस डेंटिस्ट की गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, कहता है कि उसका नाम सिंडी है जो एक फेमस फोटोग्राफर है। नेक्स्ट सीन में हमें सिंडी को दिखाया जाता है जो सफाई कर रही होती है। तभी उसे एक रूम में क्रीम एंड डेंटिस्ट की वेडिंग पिक्चर मिलती है, वह पिक्चर को देखती है। आप हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर डेंटिस्ट अपनी पूरी टीम के साथ पिक्चर लेने के लिए सिंडी के स्टूडियो आता है, तो बहुत ज्यादा कैमरा सही होता है। सिंडी कहती है प्लीज रिलैक्स रहें, पर उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी सिंडी डेंटिस्ट के कुछ डॉक्टर से कहती है कि आप भी एक साथ खड़े हो जाएं ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। फिर सभी खड़े हो जाते हैं, तब फिर उन दोनों का फोटो शूट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो डेंटिस्ट बाहर आता है तभी वो देखता है कि सिंडी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है। सिंडी उसी टाइम गुस्से में ब्रेकअप कर लेती है। तभी वो स्मोकिंग करती है, फिर वो अपने बैग में लाइटर को ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता है। तभी डेंटिस्ट आता है, उसे लाइटर देता है स्मोकिंग करने के लिए। फिर डेंटिस्ट सिंडी से कहता है कि तुम्हें सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह सिंडी को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है जिससे सिंडी खुश होती है। फिर डेंटिस्ट वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में हमें उसी डेंटिस्ट का क्लिनिक दिखाया जाता है। वहाँ पर ये चीज पुहान एंड डेंटिस्ट एक साथ बैठे होते हैं। पुहान उन्हें के एंड क्रीम सैड सॉन्ग सुनाता है, वह सुनता है। डेंटिस्ट कहता है कि यह सॉन्ग मैंने पहले भी कहीं सुना हुआ है। पुहान कहता है कहाँ। डेंटिस्ट कहता है यह सॉन्ग मैंने के फ्यूनरल पे सुना था, क्रीम ये सॉन्ग गा रही थी। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में हमें के का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर डेंटिस्ट क्रीम को देखता है। क्रीम पूरी तरह से टूट चुकी होती है। क्रीम केक को देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। डेंटिस्ट कहता है आज भी मुझे वो दिन याद है जब क्रीम उस दिन कितनी ज्यादा दुखी थी, उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उस दिन क्रीम ने अपने लाइफ की सबसे कीमती चीज खो दी थी। प्रेजेंट टाइम में डेंटिस्ट कहता है कि एक दिन क्रीम कहीं चली गई, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। फिर आगे डेंटिस्ट कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे इस सॉन्ग के कॉपीराइट ओनर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में पुहाने जी जा रहे होते हैं। ये जी कहती है इस सॉन्ग को के एंड क्रीम ने मिलकर बनाया था, बट अब वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। जब के की मौत हो गई थी तो क्रीम ने भी सुसाइड कर लिया था। फिर पुहान कहता है इस सॉन्ग के कॉपीराइट ओनर के एंड क्रीम है, बट अब दोनों की मौत हो चुकी है तो इस सॉन्ग के कॉपीराइट ओनर अब कौन है। अब हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसने हमें ये सीडी सेंड की थी। ये जी कहती है उस एनवेलप में कोई पोस्टमार्क भी नहीं है। अभी ये जी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, वो पिक करती है। तभी बॉय कहता है हाय आई एम एलेक्स।
क्या तुम फ्री हो डिनर के लिए? वह सिंपली डेट के लिए पूछता है। यीची कहती है रॉन्ग नंबर। फिर वह गुस्से में कहती है, अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। फिर यीची गुस्से में कॉल को कट कर देती है। पोहान कहता है कौन है? यीची कहती है रॉन्ग नंबर। फिर यीची उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। तभी पोहान को केले की बात याद आती है। जब वो पूछता है क्या तुम सिंगल हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर पोहान कहता है क्या तुम्हारे बेटे को इंटरनेट यूज करना आता है? यीची कहती है हाँ, क्यों? फिर उसे सब कुछ समझ आ जाता। नेक्स्ट सीन में घर में हमें यीची एंड केले को दिखाते हैं। यीची कहती है केले क्या तुमने मेरे फोन से डेटिंग ऐप पे साइन अप किया था? मेरी पोस्ट डाली थी डेटिंग ऐप पे, पर वो कोई जवाब नहीं देता। तभी यीची गुस्से में कहती है तुम सबको ये क्यों बोलते हो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? मीन्स केले को पता है कि यीची उसकी मॉम है। यीची कहती है ये सब तुम क्यों कर रहे हो बताओ? तभी केले कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढे। यीची कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम अभी 10 साल के हो, तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढूं? तभी यीची गुस्से में कहती है मुझे अपनी लाइफ में बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं चाहती। फिर यीची उसे गुस्से में बहुत ज्यादा डांटती है। तभी केले कहता है कि मॉम मैं जानता हूँ, डॉक्टर ने कहा है अब मेरी फिर से सर्जरी होने वाली है, मॉम मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। ये सुनकर यीची शॉक होती है। यीची केले को हग कर लेती है और कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम बहुत लंबा टाइम जियोगे, डोंट वरी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक्चुअली केले को भी वही बीमारी होती है जो केको थी, अब उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। अब यीची कहीं ना कहीं अपने आप को के एंड क्रीम की स्टोरी से काफी रिलेट करेगी और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, मैं ट्री ऑफ हेवन का अगला एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। सो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। और हाँ, अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है।